पहाड़ों की रानी शिमला में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रशासन जहां लोगों को लाउडस्पीकर और पुलिस की सहायता से जागरूक कर रहा है, वहीं रोजाना बढ़ रहे मामले प्रशासन के लिए किसी सिरदर्दी से कम नहीं है। 24 मार्च से लेकर अब तक जिला शिमला में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,550 के पार पहुंच गया है, जबकि 50 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना कोरोना के मामले सैकड़ों में आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी आधा दर्जन से ज्यादा हो रही है, जो प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन रहा है। उधर डीसी शिमला अमित कश्यप का कहना है कि प्रशासन ने जिला शिमला में 24 मार्च से लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था, लेकिन लॉकडाउन तक बहुत कम मामले थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट दी गई वैसे वैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो अब 1,500 के पार पहुंच गए हैं और मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अनलॉक 5 में सभी गतिविधियां चलाने की राहत दी गई है ताकि आर्थिक मंदी से लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान सरकार ने हर वर्ग के लोगों को राहत दी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, जिसके लिए अब लॉकडाउन लगाना असंभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए अभी तक कोई भी दवाई या वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन इसका अभी तक एक ही उपचार है जिसका सभी लोगों को पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और बार बार हाथ धोना जरूरी है ताकि वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अनलॉक 5 में मिली छूट से शिमला आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें माल रोड और रिज के आसपास के क्षेत्रों में भीड़ लगी रहती है। भीड़ के दौरान कई लोग बिना मास्क के रहते हैं, जो सरकार के नियमों की अनदेखी करना है। इसके लिए लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए जागरूक किया जा रहा है और साथ ही पुलिस के जवान भी तैनात किए हैं, ताकि लोगों को सरकार द्वारा बताए नियमों की सख्ती से पालना की जा सके। उन्होंने लोगों से सरकार के नियमों को अमल में लाने का आग्रह किया है ताकि कोरोना के कहर को कम किया जा सके। कोरोना की देखिए, आपने सबने देखा है कि जब से कर्फ्यू लगाया गया था इस जिले में, 24 मार्च को लगाया गया था, उस समय जो है क्योंकि लोगों की आवाजाही काफ़ी सीमित थी, तो इसका जो है कंट्रोल काफ़ी कुछ जो है इसका जो फैलाव है संक्रमण का उसको हम रख पाए थे। परंतु जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ हुई है, और ये होना भी था क्योंकि जो है हमारी आर्थिकी जो है वो चरमरा जाती है अगर हम इसको ना खोलते, उसी की एवज में जो है क्योंकि लॉकडाउन अनलॉक की जो है जो व्यवस्था इस समय चल रही है, काफ़ी लोग इसमें जो है बाहर से आ रहे हैं और संक्रमण का फैलने का उतना ही अंदेशा जो है बढ़ गया है। और ये आंकड़े जो है लगभग हमारे ज़िले के, अगर मैं बताऊं तो हमारे पास सिर्फ ज़िले के जो है अभी तक 1400 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। मेरा आप सबसे और आप लोगों के माध्यम से सबसे यही अनुरोध रहेगा, आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर जो है ज़िला प्रशासन शिमला का साथ दिया था जब कर्फ्यू की अवस्था थी या जो इनिशियल फेज चल रहा था अनलॉक का, परंतु अब तीन एक मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर आपको अवश्य जो है गौर करना पड़ेगा। मास्क जो है ये मैं तो कहता हूँ एक टेम्परेरी वैक्सीन ही है, जब तक वैक्सीन नहीं आता इस बीमारी का, इसी को आप एक टेम्परेरी वैक्सीन माने और इसको ठीक प्रकार से पहने। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं ठीक प्रकार से आप मास्क पहने, उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग जो सामाजिक दूरी है उसका अवश्य आप कृपया करके पालन करें, और हैंड सैनिटाइजेशन जो है इसका आपको कड़ाई से जो है पालन करना है। इन्हीं तीन बिंदुओं पर अगर आप गौर करेंगे तो इस संक्रमण से हम जो है बच पाएंगे। प्यारी टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।